से 32% कैडर वोटर है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास 35% कैडर वोटर है। तो ऐसे में यहाँ की सीटों के बारे में आकलन करना निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा अलग तरीके का अनुभव रहता है, क्योंकि दोनों के पास सॉलिड वोटर है। लेकिन एक दो चीजों पे मैं खास तौर पर चुनाव में जो मैंने फील किया कि कांग्रेस के लोग जीत के दावे नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का अपना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हरियाणा पड़ोसी राज्य राजस्थान का, जहां पर 10 सीटें और 10 सीटों का आंकलन आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। एनडीए को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान और इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों में। हरियाणा वो राज्य जिसमें पिछली बार बीजेपी को एनडीए को सारी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार हरियाणा में मुकाबला कड़ा और कांटे का बताया गया, और उसको अगर मद्देनजर रखें उन अनुमानों को, तो ये एग्जिट पोल में भी तस्वीर हरियाणा राज्य की इन 10 सीटों पर एग्जिट पोल के जरिए सामने आती दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, एनडीए को 5 से 7 सीटें हरियाणा में मिल सकती हैं। आपको बता दें कि यहां हरियाणा में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर के बाद बनाया गया मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री को बदला गया, उस तरह से कई सवाल भी वहां पर उठे, कई आरोप भी यहां पर लगाए गए। दूसरी तरफ कुछ निर्दलीय विधायकों की तरफ से सरकार से समर्थन भी वापस लिया गया, हालांकि सरकार पर उसकी सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो हरियाणा की बात की, दिल्ली की बात की, बात पंजाब की भी होगी, बाकी के फेजेस में यहां पर चुनाव के हुए थे बाकी के चरणों में, लेकिन दिल्ली और हरियाणा की यहां पर बात करें तो दिल्ली में मजबूत स्थिति में एनडीए दिखाई दे रही है, हालांकि 7 सीटें जो जीती थी उनमें से 1 या 2 सीटें लूज कर सकती हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन कांटे की टक्कर है उन सीटों पर भी, और ये कहा जा सकता है कि आखिरकार नतीजा वहां पर कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल किसी के भी पक्ष में आ सकता है। और चूंकि हम राजस्थान की बात लगातार कर रहे थे रविंद्र, हरियाणा और राजस्थान आपस में सटे हुए हैं, ज्यादातर जो हिस्सा है वो सांस्कृतिक तौर पर भी एक महसूस करता है, ऐसे में क्या दोनों का असर एक दूसरे पर पड़ेगा, ये जो स्थितियां हैं उसे भी समझने की जरा कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पिछली बार का आप जिक्र कर रहे थे, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कामयाबी एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को मिली थी, जैसे राजस्थान में भी वही हुआ था, लेकिन इस बार क्या होगा ये मोटा मोटा आकलन जो है एग्जिट पोल का। आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष जी जरा, हाँ पंजाब की लग रहा है मुझे, पंजाब की 13 सीटों का एग्जिट पोल, इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, एनडीए 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर पंजाब में बताया जा रहा है। पंजाब वो राज्य पंजाब का जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी, यानी कि अगर हम बात दिल्ली की करते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ हरियाणा में भी 1 सीट कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र की आम आदमी पार्टी को दे दी गई थी, तीसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की सरकार चूंकि पंजाब में है और कोई समझौता पंजाब की सीटों पर नहीं हो पाया था या एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, बीजेपी के मुकाबले यहाँ पर चुनाव लड़ा, शिरोमणि अकाली दल ने भी यहाँ पर अलग से चुनाव लड़ा था, और ये सीटें 13 पंजाब के एग्जिट पोल को बताती हुई कि एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान, इंडिया गठबंधन को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। और पिछली बार की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीटें थी, बीजेपी को 2 सीट पिछली दफा मिली थी, तो इस बार लगता है कि बढ़त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही, जैसे कि उम्मीद है बीजेपी को कि उसको बढ़त मिलेगी। और एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला अलवर की सीट का देखिए, भूपेंद्र यादव और ललित यादव के बीच में ये वीवीआईपी सीटें, कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चुनावी मैदान में एक बार फिर से उनके सामने आए थे, प्रहलाद गुंजल दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला, अलवर और कोटा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं, कड़ा मुकाबला राजस्थान में कह सकते हैं, पूरी की पूरी 25 सीटें जिन पर अब जो स्थितियां हैं वो कई ऐसी सीटें जहां पर रोचक मुकाबला देखने को मिला है। मतदान के बाद की जो तस्वीरें एग्जिट पोल के माध्यम से आ रही है वो तस्वीर ये कहती है कि ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के बीच में कड़ा मुकाबला है। जी हाँ, जाहिर तौर पर कांटे की टक्कर और कड़ा मुकाबला यहां पर है, और बढ़त बनाते हुए हालांकि बीजेपी के ही दोनों प्रत्याशी यहां पर सीटों पर नजर आते हुए
दिखाई दे रहे हैं तो कोटा और अलवर वो दो सीटें जहां पर मुकाबला बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प, बड़ा कांटे का रहा है। और इस एग्जिट पोल के नज़रिए से अगर देखें तो बढ़त बनाते हुए हालांकि बीजेपी के भूपेंद्र यादव अलवर से दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां कोटा में भी दिखाई दे रहे हैं। मित्तल साहब से, एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, इन्हीं दोनों सीटों पर जरा समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजहें रही थी, रही होंगी ऐसी क्या वजहें कि कोटा में और अलवर में दोनों ही जगहों पर चुनाव फंस सा गया, कांटे का ये मुकाबला हुआ। हाँ, मैं टीवी पे बैठा हूँ, मैं भी न्यूज 18 पे। मित्तल साहब का ऑडियो दे दीजिएगा, गेस्ट जो हमारे जयपुर स्टूडियो में उनका एक बार डाउन कर दीजिएगा प्लीज। मेरा ऐसा मानना है कि जो कोटा और अलवर का जो आपने बताया, क्योंकि दोनों हॉट सीट इसलिए है कि क्या नाम से कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और अलवर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव लड़, लेकिन ये दोनों सीट मेरी नजर में तो फंसी भी नहीं। मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की आसान जीत है। लेकिन मैं एक बात यह बहुत जरूरी कहना चाहता हूं कि जो जालोर चिरोई की सीट है, जितने भी सर्वे राजस्थान के आए हैं उसमें जालोर चिरोई की सीट को फंसा हुआ नहीं माना गया। जालोर चिरोई की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आसान माना गया। आप मान के चलिए जालोर चिरोई से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, राजस्थान की 25 में से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में जालोर चिरोई में यदि कांग्रेस नहीं जीत पा रही है तो फिर क्या नाम से अलवर और क्या नाम से कोटा की मैं सोचता हूँ बात करना कोई ज्यादा सार्थक नहीं होगा। और जितने भी नेशनल की ओर अभी जितने भी सर्वे अभी जो आए हैं जिनकी चर्चा हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर, मैंने उन सबको देखा है, राजस्थान में 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बताई जा रही है, 0 से 2 सीटें बताई जा रही है कि क्या नाम से इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर दो सीटें वो कौन सी आपको लग रही हैं जो फंसी हुई हैं, कांटे का मुकाबला जहां पर है? फिर ब्रेक लेना होगा मित्तल सर। हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ बताइए। देखिए जो नागौर वाली सीट है वो आपको ध्यान हो तो क्या नाम से नागौर की सीट आरएलपी को समझौते में दी गई है, और इस तरह सीकर की सीट है जो वामपंथी दल को सर्वे में दी गई है जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नागौर की सीट है हो सकता है कि क्या नाम से वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े, क्योंकि जो जो ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार जो चुनाव और दूसरी सीट सर उसके बावजूद भी क्या नाम सीकर नहीं, दूसरी मेरी जो जानकारी में है हाँ। वो बांसवाड़ा की सीट में मानता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी। तो बिल्कुल मित्तल साहब का ये एग्जिट पोल अगर कहता है कि चाहे बांसवाड़ा की सीट हो या फिर दूसरी तरफ बाद नागौर की, इन दोनों जगहों पर कड़ा मुकाबला है और बीजेपी यहाँ फंसती हुई उलझती हुई पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सभी मेहमानों से मेरा आग्रह है आप बने रहिएगा हमारे साथ, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो लगातार चर्चा भी जारी रखेंगे और साथ ही साथ एग्जिट पोल के और राज्यों के आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक रखेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।